भाई तीनों गाड़ी जैसे खड़ी होती है भाई, ये देखो एक तो रहती है डलान पे, गलांजा रहती है तकरीबन डलान पे, फिर थार और फिर स्कॉर्पियो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी जिम में, टाइम बताऊँ तो टाइम हो गया सुबह के 4:45। अपना भाई फिक्स टाइम है 4:45, आप लोगों को पता है। बाकी भाई जिम में जा रहा हूँ स्कूटी लेके, और भाई कल सर्विस होके आ जाए गाड़ी, देखो कितनी साफ सुथरी दिख रही है। मतलब एक महीना हो जाएगा भाई गाड़ी को लिए, अब 11 मार्च को ली थी मैंने, और अब 11 अप्रैल आने वाली है। आज की डेट है भाई 6 तारीख है। तो भाई ये देख लो, एक महीने में ये गाड़ी सिर्फ एक बार धुली, और वो भी आज धुली है शोरूम से। तो चलो भाई जिम में चलते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई टाइम बताऊँ तो यार टाइम हो गया है दोपहर के, 2 बज गए, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, 2 से ज़्यादा हो गया भाई टाइम, 2:12 हो गए हैं। और भाई मैं जा रहा हूँ अभी एक बार एक भाई से मिलने के लिए। भाई का फ़ोन आ गया था कि विक्रम भाई आज आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया मिलेंगे, और भाई उनको ना एक छोटा सा सीन लेंगे वो अपनी वीडियो में, अपनी थार का, ब्लैक पैंथर का। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि ब्लैक पैंथर, तो भाई बता देता हूँ कौन है भाई, या भी नहीं यार, थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए ना। तो बाकी भाई बता देता हूँ यार, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं भाई ये, संजू सहरावत आप लोग जानते हो यार, नहीं जानते जो भाई नहीं जानते होंगे यार, पहली बात तो जानते हैं, जो भाई नहीं जानते हैं वो जान लेंगे जब मैं मिलवाऊंगा। तो भाई और उनके पास ना भी रिसेंटली एक उन्होंने न्यू कार परचेज करी है। मैंने भाई एक ना वेलार का सूट किया था, ये ओनरशिप बनाया था रेंज रोवर वेलार ब्लैक कलर का, वो मेरे मतलब पेज पे है, मतलब चैनल पे है, जाके चेक कर लेना भाई, वो इन्हीं की गाड़ी है। मैंने जब भी बताया था कि संजू सहरावत, और भाई अब इन्होंने ना एक ऐसी कार ली है कि भाई जिसका हर कोई फैन होता है, मतलब एक ड्रीम कार होती है हर आदमी की भाई, कोई अचीव कर लेता है कोई अचीव नहीं कर पाता, लेकिन वो गाड़ी भाई हर कोई अपनी गैरेज में खड़ा करना चाहता है, मतलब ऐसी कार है वो। तो अब भाई कमेंट करके बता दो कि कौन सी गाड़ी है, नहीं तो वीडियो में आपको लास्ट में पता चल जाएगा, मैं दिखाऊंगा। और भाई बहुत जल्द अगर आप लोग भाई कमेंट करोगे ना, कमेंट करके बोलोगे कि विक्रम भाई इस गाड़ी का रिव्यू देखना है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखना है, तो भाई आप लोगों के लिए भाई को बोलते हैं कि भाई इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू दो, लेकिन इस बार किसी और को मत भेजना, खुद ही आना, मतलब भाई इस गाड़ी के साथ भाई की पर्सनैलिटी भी सूट करेगी। और कलर बता देता हूँ, ब्लैक कलर की गाड़ी है, SUV है यार, अब तो इतना हिंट दे दिया, कमेंट करके बताओ भाई कौन सी गाड़ी है। तो थोड़ी देर रुक जाओ भाई, गाड़ी दिखा देता हूँ, और आज के व्लॉग में थोड़ी सी गाड़ी को चला के भी देखते हैं, और भाई से पूछेंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में कि भाई ने कब ली, कितने की पड़ी थी, क्यों ली। एक हिंट और दे देता हूँ भाई, संजू भाई इंडिया के पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने वो गाड़ी ली है। यार इतने ज़्यादा हिंट दे दी, अब तो बता दो, नहीं पता, चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और भाई एक चीज़ और, हाँ तो उनका फ़ोन आया था भाई कि नला विक्रम नला फ्री है क्या, घर पे है क्या, मंगा भाई बिल्कुल फ्री हूँ मैं अभी आज, मतलब बाकी सूट तो थे मैंने लेकिन पोस्टपोन कर दिए उनके लिए। ये कह रहे थे कि भाई थार चाहिए एक दो, मतलब सूट वगैरह करना है उनको, वीडियो वगैरह बनानी है तो उसमें थार चाहिए। तो मैं भाई थार आपके लिए हमेशा एवर रेडी है, पहले भी भाई ने एक दो बार ली है तो एक बार, लेकिन भाई थार की सबसे बड़ी बेकार चीज़ मैं बता देता हूँ यार, मतलब खाम खा की भड़क करवा ली मैंने तो, ये टायर चौड़े करवा के, मतलब कहीं भी जाना होता है, पापा को भी कहीं जाना होगा, मेरे को भी कहीं जाना होगा ना, तो पहले एक बार गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे जाके गाड़ी धुलवानी पड़ती है, वॉशिंग स्टेशन पे ले जाके गाड़ी को धुलवाना पड़ता है यार, ये मतलब खाम खा की, मैं लोग कहते हैं ना मैंने उड़ता तीर ले लिया बेफालतू का, पर भाई इसका भी अपना मज़ा है, देखते हैं। खैर गाड़ी तो साफ़ हो जाएगी, और अंदर तक की चढ़ा रखे है देखो। दूसरा भाई एक चीज़ और पूछ रहा था, कई भाई कह रहे थे कि भाई बेड काफ़ी बड़ी हो रखी है आपकी, सेट करवा लो। तो भाई बताओ कमेंट करके, सेट करवानी चाहिए या थोड़ी सी अभी और बड़ी कर लें। बाकी एक स्पेशल है कोई, उन्होंने भी बोला है कि थोड़ी सी सेट करवा ले, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, चलो देखते हैं भाई करवा लेते हैं, अब किसी ने बोला है तो करवाना भी पड़ेगा ना, देखते हैं करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही टाइम मिलेगा 2-4 दिन में भाई दाढ़ी थोड़ी सी सेट करवा लेंगे। तो चलो भाई मानसू भाई आ गए, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ? भाई बढ़िया, हाँ लेके चल रहे हो भाई? भाई आप कह रहे हो कहीं लेके चलने के लिए, तो चलो भाई, मैं तो कह रहा हूँ वहीं चलो सीधा, हाँ हरिद्वार इसी केस चलते हैं, चलो देख लो क्या होगा। हाँ भाई लगा लो, अच्छा खुलेगा, कब खुलेगा?
बना के देख लो। तो भाई मेरे सामने जा रही है जी वैगन जो बता रहा था संजू भाई की, तो भाई आप लोगों ने कमेंट तो किया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी दिखा रहे। तो हिमांशु भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, कैसे भाई कोई कमेंट करके बताए तो सही, के पीछे से जी वैगन लग रही है। सच में भाई पीछे से फील नहीं है। अच्छा। आगे से तो पक्की है भाई, आगे से तो अलग से अलग ही टोर है गाड़ी की भाई, मजा। हाँ लेकिन पीछे से मेरे को भी थोड़ी अटपटी सी भाई। देखो तो सही, एक बार आप फोटो खींच लो। हाँ। और लोगों को बोल दो अलग से बता दे, दिखा दो, हेट मत देना ये देख लो, क्योंकि यार एक तो ये ओल्ड मॉडल है। हाँ। 2017 मॉडल है, जॉब वाली आ रखी है ना वो तो बिल्कुल। चलो भाई से मिलवाते हैं। भाई ये रे संजू भाई, कैसे हो संजू भाई? एकदम बढ़िया। लेट हो गया थोड़ा। हाँ। कवर मतलब फोन और शर्ट पूरा मैच मिला के सेम कलर के हैं। हरी हरी, ठीक है। ये बाकी भाई डिलीवरी वाले दिन हमने कह दिया था ना भाई को, जी वैगन की चाबी भाई ने दे दी है, बना लिया। और भाई एक चीज और है, जो भाई कहीं पूछते हैं ना कि आप गाड़ी वगैरह क्यों बढ़ा रहे, तो भाई ये देख। अरे नहीं यार, मैंने तो छोटी कर रखी है, मैं देख के बड़ी और बड़ी कर। अच्छा बड़ी हो गई ये बाल भी, मैं इसे कटवान हो रहा हूँ। कटवान हो रहा, पहले बड़े कर इसने और बड़े करूँ चूड़ा बनाइए मैं। अच्छा ठीक है। तो भाई भाई को बता दूं, भाई वो पहले आदमी है जिन्होंने मतलब YouTube जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो भाई ने ही मेरा चैनल बनाया था। जो भी एडिटिंग वगैरह जितना जब आज तक जो कर रहा हूँ वो सब भाई की गाइडेंस में है। नहीं नहीं भाई, आपने ही बताया था, आपने भूल गए, आपने ही तो चैनल खोला था बैठ के। खोला था मैं, हम जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे जो हमने मुसीबत हुई थी स्टार्टिंग वो तुम्हें ना होगा, तो भाई मेहनत कर रहा है और भाई के चैनल ना सब्सक्राइब कर दो। जो भी मेरे सपोर्टर है, जो मेरे सपोर्टर नहीं है वो पहले करो। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया भाई। तो भाई एक बार जी वैगन दिखा देता हूँ मैं। हिमांशु भाई कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है भाई। भाई अभी उतारी, ये लो भाई चेक करो भाई। लेकिन एक चीज है, जितनी ज्यादा मैसिव आगे से दिख रही है ना, हाँ। उतनी थोड़ी सी पीछे से कम है। कम है आगे है से ना? ही मतलब फ्रंट ही है, मतलब वो बात ये कि ना गलत मारने वाली नहीं है कि पीछे से इसका पता नहीं लग रहा जी वैगन है आगे। जो इसकी टोर है ना वो आगे से आगे। हाँ मतलब आगे से तो ये इतनी खतरनाक है ना गाड़ी भाई। मतलब और भाई ये देख लो भाई ने मतलब मर्सिडीज और मर्सिडीज की AMG परफॉर्मेंस अच्छा नोटिस कर लिया क्या? हाँ, मैन इन ब्लैक। भाई ने तो कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही डाल रखे हैं भाई। फॉर्च्यूनर इतनी छोटी जितनी बड़ी है ना वो इतनी छोटी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ आवे। हाँ ये तो है ही, और इसमें मतलब 22 इंच के तो भाई ये देखो ना अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। मैंने नहीं मेरा था। अच्छा तो मैंने बता दी, मैंने नहीं मेरा था। 22 इंच के हैं, 5 नट वाले हैं, 5 नट हैं। थार में भी लग जाएगा ये वाला सेम अलॉय, उसमें लग जाएगा आफ्टर मार्केट अलॉय में। और इसमें और कुछ जो मैंने नहीं मेरा हो वो मैं बता दूंगा आप तक कैमरा बंद करके। तो ये लोग गाइस मैं आ गया हूँ जी वैगन के अंदर, और संजू भाई खड़े हैं सामने, और भाई कह रहे हैं कि आप ले जाओ आपकी गाड़ी है। मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई भाई की गाड़ी है, अपनी ही गाड़ी है, ठीक है ना भाई। फर्स्ट टाइम जी वैगन में आगे बैठा हूँ मैं भाई, मैं फर्स्ट टाइम जी वैगन में बैठा हूँ मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई। कैसा लग रहा है मानसू भाई? भाई बहुत बढ़िया, मतलब फील आ रही है, अलग ही फील है भाई। चलो भाई ड्राइव पे चलते, आवाज़ सुन लो सबसे पहले तो भाई, आवाज़ शीशा नीचे करके आवाज़ सुना दो सबको भाई। रोड पे लेके चलते हैं, ये लो इधर काट लो ना लेफ्ट भाई को। भाई स्टीयरिंग कितना टाइट है, देख के स्टीयरिंग कितना टाइट है। हां जी भाई भाई अरे स्वाद भाई, इससे ऊपर ना कुछ भी नहीं है। सही बात है, कुछ भी नहीं हो सकता इससे ऊपर। इससे ऊपर पता है क्या है? जी वैगन। सही बात है। चलो भाई एक छोटी सी राइड। संजू भाई सामने का दिखा दो अब एक बार, आवाज सुना दो भाई सबको एक बार। भाई आवाज सुना दे? हाँ पक्का। हाँ सुनाओ। चलो भाई सुना देते हैं, हिमांशु भाई की बात ताली जाएगी। अरे अब भाई पागल हो रही है ये, आवाज सुन लो भाई। कोई नहीं, हम रख लेंगे ना ईटे तो लाएंगे ना, ये रख लूंगा मैं अपने आप।
तो गाइस एक बार आवाज चेक करो आप लोग एक बार जी वैगन की कि एक्चुअल एग्जॉस्ट साउंड होती क्या है। तो ये लो भाई दो झोटे, एक 15 लाख का, एक 4 करोड़ का, कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई? यार कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, ऑब्वियसली जी वैगन। वैसे एक बात है यार, क्या 15 लाख का है? 15 लाख का है, 20 लाख का, मतलब जब ली थी 16 लाख की थी, आज के दिन 20 की है। 20 की, चल 20 की लगा ले। हाँ 20 की, 20 गाड़ियाँ आ जाएगी। हाँ। 20 गाड़ी खड़ी और कैसे लगेगी देख ले भाई। तो वो तो अपने मन को समझाना है भाई, 20 थार खड़ी और देखना, यहाँ पे 20 थार खड़ी कर दो तो भाई वही चीज़ है। लेकिन जी वैगन रहते ठीक है, दोनों गाड़ियों के ना मतलब कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक सिमिलर है, दोनों गाड़ियाँ जहाँ से भी निकलेंगी ना मतलब बंदा मुड़ मुड़ के देखे। सही बात, मतलब अगर आप खाली जी वैगन कहीं से भी ले जाओ, जिसको नॉलेज है लोग देखेंगे। थार थोड़ी सी ऐसी चीज़ आ जाती है क्योंकि एक देसी फीलिंग, एक जीप वाली फीलिंग, जिसको जिसको नॉलेज भी ना होगी ना वो भी देखेगा। देखिए अब पर ये अभी ये होगी ना, हो भी इतनी गई, हर बंदा थार वो देख ही नहीं रहा। हाँ। जिसकी थोड़ी अलग होगी ना। हाँ। वो देख रहा है, नॉर्मल होगा। जैसे स्विफ्ट बिकती थी, बीच में करेटा बिकने लगी थी, इतनी रोड पर थार हो गई। हाँ वही स्विफ्ट है ये भी। और अब तो जो वो 4x2 आ गई ना भाई, उससे तो और ज्यादा थार दिखेगी, क्योंकि ये 4x4 20 लाख है, वो 12.5-13 की आ रही है, 13 लाख की है, 7 लाख सस्ती, उतने में नेक्सॉन, उतने में क्रेटा। लेकिन मेरे को भाई एक चीज लगी है, उससे चौड़ी दिख रही है। हाँ वो चौड़ी तो दिख रही है भाई, टायर है ना अपने। हाँ अपने टायर है ना स्पेशल, इतनी बुद्धि नहीं लग रही है। हाँ लेकिन भाई वही चीज आ गई ना, वो स्पीड के लिए है, ऑफ रोडिंग के लिए भी है, लेकिन ये जहाँ ऑफ रोडिंग कर लेगी उसको उतारते समय थोड़ा डर लगेगा। हाँ, कि अभी उसका कुछ टूट गया तो दिक्कत है। तो मिला जुला के कौन सी ऊपर है भाई? दोनों हमारे लिए दोनों बेस्ट है अपने अपने प्राइस के साथ, रेंज के साथ भाई दोनों बेस्ट है। मतलब अगर वही बात है, कभी बजट होगा तो जी वैगन भी आएगी भाई, कौन नहीं लगता है ना भाई। हाँ आप लोगों का प्यार बना रहा तो जरूर आएगी। बिल्कुल भाई अभी भी है भाई। एक दिन कब दे रहे हो, कब दे रहे हो एक दिन के लिए? एक हफ्ता लिए तो जाऊँ, पर तेल कौन पुगेगा? गैल पाँच एक टैंक कर लेना पड़ेगा। मैं आज ही तो रोको, मैं 26 तारीख में ले ली। हाँ अपने मतलब हफ्ता हुआ, हफ्ता हुआ है, और मेरे ख्याल में 50,000 रुपये का जा लिया होगा, 40 का जा लिया, 10 का तो मेरा आज जगह लिया है। हाँ फिर ये मिला के 50 जा लिया। हाँ वही तो 50 का जा लिया, देख लिया। अब ये महीने का मतलब 7 दिन में 50,000 रुपये का तेल गया भाई। मैंने एक हफ्ता ना लेनी, एक हफ्ता एक दिन रख लूंगा, 10,000 रुपये का तेल बहुत। ठीक है भाई चलो भाई, अब आ गए अपनी थार में वापस। हिमांशु भाई हाँ जी, मजा आ गया भाई थार में। थार का ही मजा है भाई जी वैगन में भाई। देखो अच्छी है यार, नो डाउट, फिर वही चीज़ कह रहे हैं, लेकिन भाई थार थार है, जी वैगन मैं तो यही कहूँ भाई, एक बात में ख़त्म करो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए लोगों से कि तुम जी वैगन को बेकार कह रहे हो। हम भाई बेकार किसी को कह ही नहीं रहे भाई। बिल्कुल यार, जी वैगन 4 करोड़ की गाड़ी है, थार कहाँ स्टैंड करेगी, लेकिन हाँ ये खड़ी हो जाएगी वहाँ पर, वो नहीं कर पाएगी। तो भाई अब कहाँ लेके चल रहे हो भाई? जहाँ बोलोगे वहाँ भाई मोमोज आपकी गाड़ी है। अरे भाई ऐसी बात करोगे, जहाँ पे मोड़ोगे तो हाँ भाई अपनी है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी भी होती तो भी तो आपकी है, भाई की अपनी गाड़ी है। हाँ। ये बताओ मोमोज? हाँ भाई मोमोज खाएंगे वहीं अपने द्वारका वाले। हाँ चेतन जहाँ आप बोलोगे, चेतन तो यार लेट हो जाएगा बहुत, 6 बजे तो वहाँ पे उसी दिन वाले पे चलते हैं। चलो भाई मोमोज खा रही है, आज एक कांड हो रहा होगा, मगर आज एक कांड और हो गया भाई। पहले तो चलता ही रहना था, हाँ नॉर्मल है भाई, बहुत नॉर्मल, लेकिन पहली बार मेरी गाड़ी का ना चलान कटा आज। और भाई ये देख लो फिल्म उतार दी, मतलब चलान भी ऑनलाइन है, क्या पता कितने का आएगा, 500,000 रुपये का आएगा, देखो भर देंगे, क्यों टेंशन है, क्यों टेंशन लेनी बताओ। कोई नहीं, अब जब शौक पाले हैं तो झेलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल कल फिर से जेड ब्लैक हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ मैं, और भाई जी वैगन बड़ी प्यारी गाड़ी लगी यार। अब भाई आप लोगों को ना एक काम दे रहा हूँ मैं छोटा सा, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को
क्या जी वैगन के साथ ड्रैग रेस देखनी है, क्या आप लोगों को भाई जी वैगन के साथ टग ऑफ वार देखना है। भाई टग ऑफ वार करेंगे हम फॉर्च्यूनर के साथ, रेंज रोवर वेलार और अपनी थार, थार के साथ। भाई देखो रिजल्ट सबको पता होता है, लेकिन भाई आप लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ड्रैग रेस और टग ऑफ वार आप लोग देखना चाहते हो या नहीं। भाई फिर भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो को करता हूँ भाई मैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ भाई कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।